जीविका बेटी, क्या बात है जो तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है? मुझे आप सबको कुछ दिखाना है, कुछ ऐसा जो आप सबका देखना बहुत जरूरी है। वैसी भी क्या बात है? और वही नहीं, ये इतना ही जरूरी था तो आपने राजनंदिनी भाभी को नहीं बुलाया? हाँ, राजनंदिनी तो नहीं है यहाँ? बाबा, उन्हें यहाँ मैंने ही नहीं बुलाया, क्योंकि ये बात उन्हीं के बारे में। अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, वो देख के आप लोगों को अपनी आंखों पे यकीन तो नहीं होगा, पर याद रखिएगा, जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं वो सब सच है। तुम्हारे मुंह से सच ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। बता, बस भी करो, ये बात पहले हो चुकी है। हाँ जीविका बेटी, तुम हमें क्या दिखाना चाहती थी? मैं आप सबको राजनंदिनी महिनी का असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। जीविका, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बात जब मेरे मुंह दिखाई की हो रही है तो मैंने सोचा कि तो अपने चेहरे के पीछे का असली चेहरा मैं खुद दिखाऊंगी। राजनंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ पापा? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जो भी करना है वो ये करेंगे। घेर लो इन्हें। तो चलो, सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाओ और अपने अपने बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये विमान उड़ने के लिए नहीं गिरने के लिए तैयार है। तो तुम सब भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। वही नहीं, आप ये जो कर रही हैं ये गलत है। ए बुढ़िया, हट। भाभी, चल लाइन में। आप ठीक है ना? वही नहीं, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन सात्विक को छोड़ दीजिए। सात्विक को छोड़ दूँ? अरे दाद देनी पड़ेगी तुम दोनों के प्यार की यार। पति को कुछ होता है तो पत्नी बचाने आ जाती है, और पत्नी को कुछ होता है तो पति आ जाता है। वाह, पर तुम दोनों को राजनंदिनी के कहर से कौन बचाएगा? सात्विक, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मेरा अगला हमला किसी सामान पर नहीं, तुम्हारी इस जान की जान पे होगा। आ गया, हिलना मत। ध्यान रहे, ना ही कोई बाहर का अंदर आना चाहिए और ना ही अंदर का बाहर जाना चाहिए। वहिनी, ये क्या हो रहा है? राजनंदिनी भाभी अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? घबराओ मत, सब ठीक होगा, मैं हूँ यहाँ पर। मुझे पता था राजनंदिनी अब कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाली है, इसलिए मैंने तुम दोनों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने ना पहले मेरी बात मानी ना मान रहे हो। जीविका, सात्विक, बी केयरफुल, अब तुम लोगों की गलती की सजा पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उत्कर्ष, ये तो तुम पूरी ठीक तरह से बात कर रहे हो, और तुम्हें ये अचानक क्या हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ सच छुपा रहे हो? वाओ उत्कर्ष, वेल डन, अमेजिंग परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी एक्टिंग कहाँ से सीखी तुमने? तुम शुक्र मनाओ इस जाहिल जीविका का, जिसपे मेरा सारा फोकस रहा। तुम मेरे रडार से बच गए, नहीं तो अब तक तो मैं तुम्हें किसी फैन से उल्टा टांग चुकी होती। अरे फैन जो हो गई हूँ मैं तुम्हारे इस हुनर की? हुनर की तो तुम्हारी भी मैं दाद देती हूँ। अब तक मैंने आस्तीन के सांप के बारे में सुना था, लेकिन अब मैंने आस्तीन की नागिन को भी देख लिया। ओह शट अप यू ओल्ड हैग, बहुत हो चुका। अब अगली बार ऐसी बकबक करने से पहले याद रखना, इस नागिन का काटा जान की भीख मांगने लायक भी नहीं होता। समझ में आई बात? अब बहुरानी, सब ऐसे देखती रहोगी, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे इस प्यारे से परिवार को एक एक करके डसूं, प्यार से वो पेन ड्राइव मुझे दो। कम ऑन नाउ, जल्दी करो। गुड, ध्यान रखना। hmm.
इसमें तो कुछ भी नहीं है। वेयर इज द फुटेज? कहाँ गई इसकी फुटेज? कहाँ गई वो फुटेज? इसमें ही थी ना? ओहो, गायब है क्या? नहीं दिख रही है। शह, अपने गुनाह तो खुद कबूल कर लिए ना आपने। और रही बात इस फुटेज की, तो पते की बात ये कि इस पेन ड्राइव में ना कुछ था ही नहीं, खाली एकदम आपके विश्वास की तरह। और देखो, आपने अपनी कहानी अपनी जुबानी खुद बता दी, तो बस हमारा काम तो हो गया। और रही बात आपकी भाभी, तो नागिन कितनी भी जहरीली क्यों ना हो, सपेरे के पिटारे में ना कैद हो ही जाती है। तो आप हो गई। बस मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, पर राजनंदिनी इतना तो समझ गया हूँ कि तुम जैसे दिखती हो, बल्कि ये कहूंगा कि तुम जैसे खुद को दिखाती हो वैसे तुम हो नहीं। अच्छा, दिखाते तो आप भी खुद को दूध के धुले हैं, पर आपके हाथ तो दूध से नहीं, खून से रंगे हैं। राजनंदिनी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ? क्या बात है नारायण, इतने सालों में पहली बार आपने कोई बात सही की। आपने सही जवाब दिया उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी और आपके इस परिवार की जान बख्श दूंगी। ना, मरना तो सभी को है, बस एक एक करके लॉटरी निकलनी बाकी है। राजनंदिनी, तुम हमसे इतनी नफरत क्यों करती हो? नफरत तो बहुत छोटा सा शब्द है, मैं आप और आपकी इस फैमिली से इतनी नफरत करती हूँ कि शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। आप बस ये समझ लीजिए कि आप लोगों को हंसता मुस्कुराता देख मैं रोज खून के आंसू रोती हूँ, आप लोगों को इस तरह जिंदा देख हजारों मौतें मरती हूँ। कोशिश तो मैंने बहुत की कि आपके और सात्विक के बीच में इतनी दरार डालूं कि आप दोनों की गलत फहमियां इतनी बढ़ जाए कि आप दोनों कभी करीब ना आ पाओ। ये आपके इस काबिल बेटे की हर एक गलती मैंने इतनी हाईलाइट की कि वो खुद के नजरों से और आपके नजरों से इतना गिर जाए कि वो उठ ही ना पाए। और ये इसको मैंने आपके खिलाफ इतना भड़काया है कि वो तो आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर पाता। और ये इसको तो मैंने हर बात पे टोक टोक के इसका कॉन्फिडेंस इतना खत्म कर दिया कि वो खुद ही अंदर से खोखली हो जाए। वैसे किया तो मैंने सात्विक के साथ भी वही, सात्विक को अंदर से तोड़ने के लिए मैंने सुप्रिया से कहा कि सात्विक को छोड़ दो, और बस कहा ही नहीं, मुंह मांगे पैसे भी दिए। अब बारी आती है ये आपके सबसे बड़े और लाडले सुपुत्र की, जिसको मैंने आप सबकी नजरों से दूर ही नहीं रखा, पर इसके जीते जी इसके श्राद्ध के लिए मजबूर किया। और फिर ये आपकी बेटी समान बहू की, इसको तो मैंने लाया ही इस घर में इसलिए था क्योंकि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती। ये बात तुम्हें पहले से मालूम था? मौशी, जानती नहीं तो मैं सात्विक और जीविका की शादी क्यों कराती? अरे, ये रब ने बना दी जोड़ी नहीं है, ये राजनंदिनी की बनाई जोड़ी है। वैसे लता मौशी, I must say, thank you very much. आप मेरे बहकावे में नहीं आती ना, तो उस दिन वो सारा ड्रामा नहीं क्रिएट करती। आपने तो इसे ऑलमोस्ट इस घर से बाहर निकाल ही दिया था। बहुत मजा आया था, वो तो एन मौके पर ये सात्विक वहां पहुंच गया था, वरना ये गरीब इस महल में नहीं अपने गरीब खाने में होती। इसे एक बात समझनी पड़ेगी, ये गरीब बार बार मेरे रास्ते का पत्थर बनकर बीच में आ जाती है। 7 साल की इस मेहनत पर इसने पानी फेर दिया, सारा काम सफेद कर दिया इसने। इसी का नतीजा है जिसके वजह से मुझे इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए किडनैप करवाना पड़ा, अटैक करवाना पड़ा, पहाड़ी से धक्का देना पड़ा। तुमने जीविका को बस इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि वो जाने अनजाने में हम सबको बचाती रही। राजनंदिनी, हमने तो तुम्हें इस घर के बेटी का दर्जा दिया था, और तुम हमसे इतनी नफरत करती थी। बेटी? क्या कहा आपने? बेटी? वो लड़की आपकी बेटी कैसे बन सकती है जिसके बाप के मौत आपके वजह से हुई हो? राजनंदिनी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ नारायण, जो मैं शादी के पहले दिन से कहती आ रही हूँ। फर्क बस इतना है कि तब मैं मन में कह रही थी, और आज इस गन से। डॉक्टर अमोल, याद है आपको?
अमोल, ये नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं? जिनके बच्चों को आपने अनाथ किया उन्हीं की बेटी हूँ मैं। मैं उन्हीं की बेटी हूँ जिन्हें आपने मारने से पहले पता नहीं और कितनी मौतें दी। दुनिया जहान के लिए भले ही वो खुदकुशी हो, पर मैं जानती हूँ ऐसा नहीं था। आप ही थे जिसने उन्हें मजबूर किया था खुदकुशी करने के लिए। बताइए किया था कि नहीं? राजनंदिनी, ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। डॉक्टर अमोल की मौत की वजह मैं नहीं, वो खुद था, बल्कि मेरी सावित्री की मौत की वजह वो ही था। गलत फहमी मेरी नहीं, आपकी है नारायण। जो डॉक्टर मियां जहान को बचाता था वो किसी की जान कैसे ले सकता है? जिसके सर पर तलवार लटक रही हो वो अपनी गलतियां कैसे मानेगा? ठीक है नारायण, अब तू अपने गुनाह कबूल करे या फिजूल करे, तुझे अपनी सजा तो जरूर मिलेगी। और बस तुझे ही नहीं, अपने इस पूरे परिवार को मिलेगी, वैसे ही जैसे मेरे परिवार को मिली थी। राजनंदिनी, तुम ये जो सब कर रही हो ना, सब बहुत गलत कर रही। तुम अपनी नफरत की आग में इतनी अंधी हो चुकी हो कि सही और गलत के बीच में फर्क करना भूल गई हो। अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते ना, तो तुम्हें ये सब करता हुआ देखकर तुम पर शर्मिंदा होते। अब अगर तुम्हारी बोली बंद नहीं हुई ना, तो इस गन से गोली निकलेगी और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, याद रखना। मौत से वैसे भी वो डरते हैं जो जिंदा होते हैं। तुमने इतने सालों में ना जाने मुझे कितनी मौतें दी है, मुझे मौत के नाम से डर नहीं लगता, हंसी आती है। तो हंसो ना, अपनी मौत पर तो जरूर हंसी आएगी, पर इनका क्या? इनका क्या जब देखोगे अपने परिवार को एक एक करके मरते हुए, तब तुम्हें हंसी नहीं आएगी, रोना आएगा। राजनंदिनी, उन्हें अपने पति और पति के परिवार को मारते हुए शर्म नहीं आ रही है? कौन सा पति, कौन सा परिवार? ये परिवार मेरा नहीं है, वो तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, पर ये पति भी मेरे है या नहीं वो तो मुझे खुद इनसे ही पूछना पड़ेगा। तो पति परमेश्वर, ईश्वर के पास जाने से पहले प्लीज जरा इन्हें अपनी सच्चाई का खुलासा करेंगे कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है? भाभी क्या कह रही है? चुप, नकली भाभी के नकली देवर, चुप हो जा, ये तो उड़ा दूं। सही कह रही है, ये दोनों पति पत्नी नहीं। उत्कर्ष दादा की शादी इनसे नहीं, इनकी बड़ी बहन रिद्धिमा से हुई है। और उन्हें इन्होंने नहीं पता कितने सालों से कहां पर कैद करके रखा है। ओ, तो तुम दोनों को ये सब पता था, इसलिए मैं सोचूं कि कुछ दिनों से तुम दोनों मुझे देखते हुए आग बबूला क्यों हो रहे। राजनंदिनी, तुम पागल हो गई हो, किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा लो। अरे डॉक्टर को ही तो मार दिया है तुम लोगों ने, इसलिए तो मैं पागल हो गई हूँ, है ना? हो गई हूँ ना? अब चलो, अब तुम लोगों को पता चल ही गया है कि मैं पागल हूँ, तो छुपाने का क्या फायदा, कोई जरूरत नहीं है। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं इस मौत के खेल की। ये क्या कर रही हैं आप? अभी तो बताया खेल खेल रही हूँ, पर इस खेल की शुरुआत तुम्ही से तो होगी। अब इस खेल का नाम है रशियन रूल। इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें बस ये बंदूक पकड़नी है और अपने सर पे यू तान के ट्रिगर दबाना है। ये देखो, देखा, इट्स दैट सिंपल। अब तुम्हारी बारी, लो। डरो मत, अरे इस खेल में तुम अकेली नहीं, मैं भी खेल रही हूँ। देखो इस खेल में तुम्हारी और मेरी एकदम इक्वल फाइट चलेगी, हारना जीतना जीना मरना ये सब इक्वल रहेगा। रखो ये बंदूक अपने सर पर और दबाओ ट्रिगर। नहीं जीविका, नहीं, ऐसा तुम कोई भी गेम नहीं खेलोगी जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है, नहीं खेलोगी तुम। सात्विक, काम डाउन। और जीविका, तुम्हें चुनना तो पड़ेगा अब, या तो अपनी जिंदगी चुनो या तो सात्विक की मौत। कम ऑन, तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए या फिर सात्विक की मौत? जिंदगी, जिंदगी चाहिए, वो भी सात्विक की। जीविका नहीं, तुम मेरी जिंदगी भी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती, कोई हक नहीं है तुम्हें। हक है सात्विक मुझे, और उस दिन से हक है जिस दिन से अग्नि को साक्षी मानकर साथ तेरे लिए थे मैंने।
जिस दिन आपने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया था मेरी मांग भरी थी पाप को बचाने के लिए। इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक मौत को हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। ए गवार, ये कोई हिंदी पिक्चर की डायलॉग नहीं चल रही कि मरने से पहले 2 पेज लंबे लंबे मोनोलॉग बोलो तुम। अगर तुम सात्विक से सच्चा प्यार करती हो ना तो सिर्फ बताओ मत, करके दिखाओ। बोली थी ये नहीं। Exactly. क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ और ना ही मेरी जान तुम्हारी जान जितनी सस्ती है। मैं ऐसे बकवास के खेल के लिए अपनी जान दाव पर नहीं लगाऊंगी। जब इस गन में गोली थी नहीं तो क्या मतलब था इस खेल का और क्यों किया तुमने फिजूल का ड्रामा? कोई भी चीज बेफिजूल की नहीं होती, हर चीज का एक मकसद होता है। अब देखो ना, इसमें गोली होती तो जीविका बस मरती, पर हुआ क्या, इसमें गोली नहीं थी तभी तो तुम सब मरे। जिस जहन्नुम में मैं इस जिंदगी को काटती आ रही हूँ, जिसमें मैं हजारों बार मरती आ रही हूँ, उसकी बस एक झलक दिखाई मैंने तुम लोगों को, एक झलक। पर असली खेल खेलना तो अभी बाकी है। हाँ, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। बेटा श्लोक, दरवाजा खोलो और देखो कि कौन आया है और उसे चलता करो, दफा करो उसे। चलो जूही, 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 जूही। तो फाइनली अब मेरी बेवकूफ बहन को थोड़ी सी अक्कल आ गई, वरना वो वापस नहीं आती। हाँ, फाइनली अक्कल भी आ गई, होश भी आ गया और मैं भी। वैसे मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, देखना चाहोगे कौन आया है मेरे साथ? ताई, इसका मतलब उत्कर्ष दादा राजनंदिनी जी की लीडर, और ऐसे समय पे जीविका और उत्कर्ष दादा को अकेले छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। भाभी को ना शक हो सकता है, सो इफ पॉसिबल अगर आप रतिमा भाभी को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकें तो। साकेत जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। रिधिमा, मुझे लगा था मैं आपको देखे बिना मर जाऊंगी। मुझे पता था कि भगवान ने हमें यूं ही बिना वजह जिंदा नहीं रखा। हमारी किस्मत में दूरी हो सकती है, हमारी किस्मत में इंतजार लिखा हो सकता है, लेकिन हमारी कहानी अधूरी रह जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जूही, तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी बड़ी बहन को धोखा दिया। आपसे ही सीखा है धोखा देना। जब आप अपनी बड़ी बहन को धोखा दे सकती हैं तो मैं नहीं दे सकती। जूही, ओह, तो हमारे बीच की ये दरार इस जीविका की देन है। जूही, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? बस मन सा उठ गया है इस लाइफ से, इन रिश्तों से। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई अपनों के साथ ऐसा भी कर सकता है। क्या तुम रिधिमा वहिनी की बात कर रही हो? तुम चाहो तो उन्हें ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो एक खेल तुमने खेला था और एक खेल हम खेले। हाथ में गन होते हुए भी तुम ये खेल हार गई और हम निहत्ते होते हुए भी ये खेल जीत गए। मैं हारी नहीं सात्विक, एक प्यादे के बगावत से एक दो बाजी पलट सकती है, सारा खेल नहीं। Game over.